हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं आपकी दोस्त और होम शेफ खुशबू कनौजिया तहे दिल से अपने चैनल घर का जायका विद खुशबू में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि छोला विद पनीर की सब्जी है। तो आप मेरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की नई रेसिपी। इसके लिए हम 250 ग्राम काबुली चना लेंगे, उसे रात भर भिगो कर रख देंगे या फिर कम से कम 8 घंटा के लिए हम भिगो देंगे और उसे हल्दी मिलाकर 80% तक कुक कर लेंगे। चलिए हम इसे 80% तक कुक कर लेते हैं जब तक हमारा चना कुक होता है। तब तक हम ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए हम एक पैन लेंगे, पैन में बटर ऐड करेंगे। जब बटर मेल्ट हो जाए तब हम उसमें क्यूब्स में कटे हुए पनीर को सेलो फ्राई कर लेंगे। जब पनीर गोल्डन ब्राउन हो जाए तब हम उसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह बाकी के बचे हुए पनीर को भी हम सोलो फ्राई कर लेते हैं। अब हम उसी पैन में सरसों का तेल ऐड करेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाए तब हम इसमें तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए लहसुन, हरी मिर्च, जीरा, तेज पत्ता और सूखी लाल मिर्च ऐड करेंगे। जब इससे खुशबू आने लगे धीमी धीमी तब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक कुक करेंगे। जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए तब हम इसमें टमाटर मिक्स करेंगे। टमाटर को जल्दी पकाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे, इससे हमारी टमाटर जल्दी ही कुक हो जाएगी। एक दो मिनट कुक करने के बाद हम इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। लहसुन को अच्छी तरह से कुक करिएगा ताकि उसका कच्चापन निकल जाए। जब टमाटर अच्छी तरह से गल जाए तब हम इसमें हल्दी का पाउडर ऐड करेंगे, उसे भी एक दो मिनट कुक करेंगे। एक दो मिनट कुक करने के बाद हम इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे, इससे हमारी ग्रेवी में अच्छी सी खुशबू आएगी।
जब ग्रेवी से तेल निकलने लगे तब हम इसमें लाल मिर्च पाउडर, जीरा और काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और एक दो मिनट कुक करेंगे। मसाला हमारा जल लेना, इसके लिए हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इसे ढककर एक दो मिनट तक कुक करेंगे। अब हम इसमें कुक किया हुआ काबुली चना ऐड करेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर कवर कर इसे एक दो मिनट कुक करेंगे। एक दो मिनट कुक करने के बाद हम इसमें एक कप पानी ऐड करेंगे और इसे उबाल आने तक कुक करेंगे कवर कर कर। मेरी वीडियो के एंड में मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स का नाम नोट कर दिया है, इसीलिए आप मेरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एक दो मिनट कुक करने के बाद हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। ये गरम मसाला घर का बना हुआ है। अगर आप इसकी रेसिपी देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके कमेंट कीजिएगा। अब हम इसे कवर करके एक दो मिनट तक कुक करेंगे। एक दो मिनट हो गया है, अब हम इसमें फ्राई किया हुआ पनीर ऐड करेंगे और उसे एक दो मिनट कुक करेंगे। अब हम इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, वो है बटर, जो कि आपके छोले पनीर को बहुत ही टेस्टी और लाजवाब स्वाद देगा। इसे हम मेल्ट होने के लिए कुक करेंगे। देखिए दोस्तों, साइड साइड में ये तेल छोड़ दिया है। हमारा छोला पनीर रेडी है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। लग रहा है ना छोला पनीर देखने में बहुत ही टेस्टी और सुंदर, क्योंकि घर का जायका विद खुशबू में जो दिखता है वही पकता है। अब हम इसे हरा धनिया से गार्निश करके परोसेंगे। अगर आपको मेरी छोला पनीर वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक और अपने फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है। और हाँ, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए, ताकि मेरे वीडियो की पहली नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। मैं हर हफ्ते कम बजट में बनने वाली रेसिपी आप लोगों के लिए लाती हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है कनौजिया खुशबू 122। तो फिर मिलते हैं इसी तरह के नई रेसिपी के साथ। जब तक खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए और आसपास सफाई बनाए रखिए। तो हम चलते चलते आपसे एक सवाल करते हैं, इंडियन क्विजीन में कलर किस इंग्रेडिएंट से आता है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड नमस्कार।